जनपद सीतापुर से बड़ी खबर। मास्टरमाइंड सहित 10 शातिर अंतर्राष्ट्रीय डकैत लुटेरे, नकब जन गिरफ्तार। कुल नकदी 1.4 किलो चांदी, 20 ग्राम सोने के जेवरात बरामद। पुलिस अधीक्षक सीतापुर सुशील घुले चंद्रबान द्वारा चोरी नकब जनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए घटना को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। निर्देशन में अनुपालन में क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण नरेंद्र प्रताप सिंह, निकट पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी मोहली अमन सिंह के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच थाना मोहली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी की इन घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित कुल 10 साथी डकैत लुटेरे नकबस को गिरफ्तार किया गया है। आज गिरफ्तार हुई है, ये घटनाएं 10 हमारे वर्कआउट टीम ने, लगभग 12 घटनाएं अब तक हमारे प्रकाश 10, 9 हमारे यहाँ की, 1 ईडी की, 2 रायबरेली की घटनाएं हुई है। इसके अलावा और भी घटनाएं उन्होंने कन्फेस किया है, हमने कल सर थाने को कर दिया है, वो लोग आ रहे हैं इंतजार के लिए जाएंगे और घटनाएं बहुत अच्छा कार्य है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक गिरफ्तारी पे 25,000 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की है, उसमें बहुत ही सराहनीय कदम हमारे स्वास्थ्य विभाग से लेकर अभी ज्वेलरी और सामान चला गया था। उस घटना को खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने सर्विलांस टीम और स्वाट को लगाया हुआ था। विगत रात्रि में बड़ी सफलता हम लोग प्राप्त हुई। थाना मोहली और स्वाट सर्विलांस की टीम जो वहाँ के सीओ मोहली के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने 10 लोग गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं तथा उनके पास से लूट और डकैती व चोरी के लगभग 1.5 किलो चांदी, 3 लाख रुपए का सोने का सामान, लगभग 1 लाख रुपए नकद, 3 तमंचे और ऐसे तमाम औजार जिससे घर की खिड़कियाँ तोड़ते थे सभी लोग, ये बरामद हुई है। क्योंकि 10 लोग का सातर गैंग है जो लूट डकैती आपलिक चोरी की घटना खारिज करते हैं लोग। इनके द्वारा पूरे अवध रीजन में केवल सीतापुर नहीं, सीतापुर, लखनऊ देहात, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, अमेठी, अयोध्या में चोरियाँ इन लोगों ने किया हुआ है। एक साथिर पेशेवर डकैतों का गैंग है ये, जो पूर्व में कई बार जेल जा चुके हैं। ये मूलतः सीतापुर के रविशंकर मूल निवासी, लेकिन सहते लोग लखनऊ में है और वहीं से लोग गाड़ी किराए पर करके चार भैया की पूरे गैंग इनका मूवमेंट करता रहता है और अच्छा घर मकान देके वहाँ लोग डकैती काम की घटना पारित करते हैं। आज ये गिरफ्तार हुए हैं, 1 घटना है, 10 हमारे वर्कआउट हुई है, लगभग 12 घटनाएं अब तक हमारे यहाँ प्रकाश 10, 9 हमारे यहाँ की, 1 खीरी की, 2 रायबरेली की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा और भी घटनाएं लोगों ने कन्फेस किया है, हमने कलसन थाने को सूचित कर दिया है, वो लोग आ रहे हैं, वो PCR पर लेके जाएंगे और घटनाएं वर्कआउट की जाएगी। एक बहुत अच्छा कार्य है, पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक गिरफ्तारी पे 25,000 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की है, उसमें एक बहुत ही सराहनीय कदम हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम का रहा है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 10 लोग। कोई अपराधी इतिहास भी सर? बिल्कुल है, अभी इनका इतिहास है, हम आपको कल शेयर करेंगे।